प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रेवाड़ी के बावल से है। आपको बता दें कि बावल में फर्जी वोट डालने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक नाबालिग लड़की किसी दूसरे का वोट डालते हुए पकड़ी गई है। आपको बता दें कि बूथ नंबर 12 पर यह फर्जी वोट डालने का मामला सामने आया है। तो वहीं पुलिस ने फर्जी वोट डालने वाली लड़की को काबू किया है। दरअसल आधार कार्ड से ये लड़की वोट डालने पहुंची थी, तो वहीं पोलिंग ऑफिसर व अन्य कर्मचारियों को जब शक हुआ तो उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, और जांच के बाद ये सामने आया कि ये नाबालिग लड़की किसी दूसरे का वोट यहाँ डालने आई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले के पर नजर रखी जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा में जहाँ नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं रेवाड़ी के बावल में फर्जी वोट डालने का ये मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की किसी दूसरे का वोट यहाँ डाल रही थी। आपको बता दें कि बूथ नंबर 12 पर फर्जी वोट डालने का ये मामला सामने आया है, और पुलिस ने फर्जी वोट डालते हुए नाबालिग लड़की को काबू किया है। दरअसल ये लड़की आधार कार्ड से वोट डालने पहुंची थी। पोलिंग ऑफिसर व अन्य कर्मचारियों को जब शक हुआ तो उन्होंने जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल के बाद ये नाबालिग लड़की फर्जी वोट डालते हुए पाई गई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, और फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर पहले की ही तरह नॉर्मल तरीके से की जा रही है। एक लड़की थी कोई 16-17 साल की, वो किसी और का आधार कार्ड लेके आ गई वोट डालने के लिए। हमने उनकी शक्ल मैच की तो शक्ल मैच नहीं हुई जी। हमने उनके फादर का नाम पूछा, मदर का नाम पूछा, तो वो बताने में असफल रही जी। तो हमने पुलिस के हवाले कर दिया उनको। तो इसमें सर कार्रवाई क्या होती है फर्दर, आप क्या एक्शन? तो पुलिस जाने की हमें नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि पीओ जो होते हैं वो लिख के देते हैं कि उसमें मुकदमा दर्ज हो या ना हो। आपने कुछ ऐसा लिख कर दिया अभी तक? अभी तक कोई लिख नहीं है। उसका होगा कुछ नहीं, और दो तीन